तुषार कौशिक बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। रूस के विदेश मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है। रूस के विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि यूक्रेन सरेंडर करे तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं, यूक्रेन की सेना हथियार डाल दे तो बातचीत संभव है। दरअसल यूक्रेन की तरफ से और तमाम दूसरे देशों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि रूस को सैन्य कार्रवाई करने से पहले बातचीत के रास्ते को तवज्जो दी जानी चाहिए थी। ऐसे में रूस ये कह रहा है कि यूक्रेन की सेना अगर सरेंडर कर दे तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं, यूक्रेन की सेना हथियार डाले तो बातचीत संभव होगी। यहां पर अब रशिया ने ताबड़तोड़ पिछले 48 घंटों के अंदर जो हमले किए हैं उसके बाद अब रूस ये कह रहा है, बंदूक की नोक पर ये कह रहा है, मिसाइल की नोक पर ये कह रहा है कि अगर सरेंडर करोगे तो हम बातचीत करेंगे। तो ये रूस के विदेश मंत्री की तरफ से आए हाल फिलहाल के बयान का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि यूक्रेन सरेंडर करे, लड़ाई झगड़ा रोके, युद्ध को रोकना चाहता है तो फिर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उसे सरेंडर करना होगा। तो यूक्रेन की सेना हथियार डाले तो सरेंडर करेंगे। जो यूक्रेन चारों तरफ से घिर चुका है, कीव जो कि यूक्रेन की राजधानी है, जहां पर प्रेसिडेंट हाउस है, वहां पर भी अब रूस की सेना चारों तरफ से घेर चुकी है। रूस की सेना कब कीव के अंदर प्रेसिडेंट हाउस के अंदर जाकर प्रेसिडेंट को बंदी बना ले, ये कोई देरी की बात नहीं होगी। ऐसे में यूक्रेन क्या सरेंडर करेगा, क्या यूक्रेन की सेना हथियार डालेगी, ये बड़े सवाल जरूर रहेंगे। तो